थाना अंतर्गत हेवसपुर में शराब कारोबारियों पर चला पुलिस का डंडा। पटना से नीरज कुमार का रिपोर्ट। नीतीश सरकार एक और दावा करती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और न जाने कितने नियम भी बना रखे हैं शराब कारोबारियों के लिए, लेकिन फिर भी शराब के कारोबार से जुड़े लोगों को तनिक भी इनके नियमों का भय नहीं है और वो लोग बहुत ही निडरता से अपना कारोबार करते रहते हैं। आपको बताते चले कि कल हेवसपुर के कुछ ग्रामीणों ने शराब कारोबारियों से तंग आकर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए थे। आपको ज्ञात होगा कि कल शराब के कारोबार को लेकर हेवसपुर के कुछ ग्रामीणों ने NH 139 को जाम किया था। इसी विषय में आज रानीतलाब के थाना प्रभारी इंद्रजीत कुमार तथा विक्रम के थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ हेवसपुर मुसहरी में पहुंचे, जहां अवैध रूप से चल रहे भट्टियों को एवं शराब को नष्ट किया गया। वही पुलिस को देखकर शराब माफिया मैके से फरार होने में सफल रहे, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन वहां बन रहे शराब को पुलिस बल ने नष्ट कर दिया। तस्वीर देखकर आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि नीतीश सरकार की बिहार में पूर्ण शराबबंदी कितनी सफल है कि ग्रामीणों को शराब के विरुद्ध सड़क पर उतर कर NH 139 को जाम करना पड़ा, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली और शराब माफियाओं पर कार्रवाई की गई। एक और नीतीश सरकार मानव श्रृंखला बनाकर पूरे बिहार वासियों को ये बताती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। जी है, क्या ये सच है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? ये हम नहीं, बिहार की जनता जानना चाहती है अपने बिहार के मुखिया नीतीश सरकार से कि क्या यही शराबबंदी है कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। थोड़ा सा सामने देखा सर, हाँ थोड़ा सा गड्ढा, उधर भी थोड़ा गया, तो भरा गया मिट्टी के लिए। लगभग सभी घर में जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत। आज पुलिस की तरफ से मुसहरी में तोड़फोड़ किया गया, क्या मामला था? मामला था कि हेवसपुर मुसहरी में जो अवैध रूप से शराब चल रहा था, इसके लेकर के कल NH जाम हुआ और पुलिस अपना कार्रवाई किया। कल NH 98 जाम किया गया, टायर लहकाया गया, बहुत सारे लोग वहां पे रहे, इसके लेकर के शराबबंदी के विरोध में सारे लोग एकजुट हुए। इसको लेकर आज प्रशासन के तरफ से कार्रवाई की गई ना? हाँ, आज प्रशासन के तरफ से कार्रवाई किया गया। दस ग्यारह गाड़ी फोर्स आ करके सारे जितने अवैध रूप से भट्टियाँ चल रहे थे उसे ध्वस्त किया गया। क्या परिचय हुआ आपका? रणधीर कुमार यादव, घर हेवसपुर।